स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। वो लड़की आप सबके सामने खड़ी है। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, प्लीज चली जाओ यहां से। अरे हिरेन जीजू, आप कब आए? आंटी जी, आपने जो सोचा था वो अभी पूरा हो सकता है। आज का दिन डब्बू की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। मुहूर्त अब भी नहीं बीता है, डब्बू का रोका अभी भी हो सकता है। जो लड़की आप लोगों ने डब्बू के लिए पसंद की थी, उसके जगह पर कोई और लड़की आ जाएगी। मगर कौन सी लड़की करेगी मेरे पुत्र डब्बू से शादी? वो लड़की आप सबके सामने खड़ी है। हाँ, मैं करूंगी डब्बू से शादी। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, शायद डब्बू को भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके घर की बहू बनने के लायक हूं या नहीं, और मैं ये भी नहीं जानती कि जितना प्यार मैं डब्बू से करती हूं, क्या वो भी मुझसे। बस मैं इतना जानती हूं कि मैं डब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। डब्बू बेटा, इस मोड़ पे कुछ भी कहने से पहले हम तेरी राय जानना चाहते हैं। इस लड़की ने तो अपने दिल की बात कह दी, पर तू क्या कहता है बेटा? तुझे लगता है कि तू अपनी सारी जिंदगी इस लड़की के साथ हंसी खुशी बिता पाएगा? बेटा, हमारे किसी भी फैसले से पहले तेरा फैसला जरूरी है। पापा, स्वीटी से तो मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बस मेरे दिल की बात मैंने अपने मन में छुपा के रखी थी, आप लोगों से बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा भी मौका आएगा, ऐसी भी सिचुएशन आएगी जिसमें मैं आपको मेरी मन की बात कह पाऊंगा। पर सच तो यही है कि मैं स्वीटी से बहुत प्यार करता हूं और दिल से करता हूं। अपने दिल की बात दिल में रखी, बेवकूफ कहीं के। हम तेरे लिए लड़की ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहे थे, और तू, अगर तेरा रोका उस चिंकी के साथ हो जाता तो।
अरे पिंकी, अब तू क्यों गोले बरसा रही है? जब रब ने बना दी स्वीटी और डब्बू की जोड़ी तो दूसरी लड़की से तो रोका टूट नहीं था। मुझे तो स्वीटी बहुत पसंद है। अरे तो मैंने कब कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है? मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का, सब सुन लीजिए, बल्ले बल्ले। वाह वाह वाह, क्या ट्विस्ट है, फुल बॉलीवुड मसाला। पर एक बात तो पक्की है, हमारी तीसरी बहन के हाथ पीले होके रह गए। आजा मेरी बच्ची। स्वीटी, स्वागत है तुम्हारा हमारे परिवार में। तुम दोनों की जोड़ी वाकई बहुत अच्छी लगती। थैंक यू दी। सुनिए जी, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आके बच्चों को आशीर्वाद नहीं देंगे? अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा प्यार करने वालों के साथ है बेटा, हमेशा खुश रहो। थैंक यू पापा। वैसे आप लोगों से एक बात कहूँ, मुझे तो ये किसी फिल्म की क्लाइमेक्स की तरह लग रहा है। सब कुछ कितना खुश खुश, सब लोग कितने हैप्पी हैप्पी, एकदम मजे में है। अगर कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वीरेन जीजू। अगर वो यहां होते तो और मजा आता। भैया वो कमी भी पूरी हो गई। कुछ नहीं सुना चाहता मैं, प्लीज चली जाओ यहां से। अरे हिरेन जीजू, आपको वह आप यहाँ जीजू, आपको पता है? सब जानता हूं मैं, बाहर खड़ो के लाइव सुन रहा था। ऐसे जोड़ी कमाल है। हाय वीरेन। ये वीरेन जीजू है, जीविका दीदी के सुपर हस्बैंड। भाई आपने तो कहा था कि आप बिजी हो, व्हाट अ सरप्राइज। आगे जीते रहो बेटा। मैं अपनी सारी मीटिंग्स को मना कर सकता हूँ, लेकिन अपने बीची को मना नहीं कर सकता। कोई भी मीटिंग हमारी बीच से इंपॉर्टेंट नहीं है। जीते रहो बेटा, और बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा मान रखा। क्यों मानने, अब तो यकीन हो गया ना कि सिर्फ तुम सरप्राइज नहीं दे सकती, भाई हम भी दे सकते हैं, क्यों? It's so good to see you, जीजू। अधूरी महफिल को आप ही का इंतजार था। अब आएगा ना रोके में, बिना रोके टोके असली सुपरहिट मजा। हाँ वीरेन जीजू, आपको पता है मुझे जब पता चला ना कि आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे क्योंकि आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा तो दिल ही टूट गया था। हाँ लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो उम्मीद थी और ना ही चाह के मैं आऊंगा। ओ वीरेन पुत्र, थैंक यू है जी कि तुम आए रोके की सेरेमनी में। तुम्हारे बिना सब रूखा सूखा लग रहा था, अब तो चार चांद आ जाएंगे रोके की सेरेमनी में। हाँ और होगा बल्ले बल्ले। एक मिनट देखिए स्वीटी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने हम सबके सामने अपने दिल की बात रख दी, और हमें भी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन बेटा अंतिम फैसला लेने से पहले तुम्हारे माता पिता की मर्जी जरूर जानना चाहेंगे, हम उनसे बात करना चाहेंगे।
वो बीजी मेरे पापा तो नहीं है लेकिन मेरी माँ और मेरा भाई है। भाई? तो नहीं नहीं नहीं, वो भाई नहीं है, आई मीन दबंग भाई। अरे बाप रे, मुझे क्या मार पड़ी थी, मुझे अभी भी सोचता हूँ ना तो दर्द होता है, वो भाई नहीं है। अरे नहीं नहीं डब्बू, अब वो तुम्हें नहीं मारेंगे। अब वो क्या है ना, मैं मेरे भाई की एक लौती बहन हूँ और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, और उस दिन उन्हें ये लगा था कि तुम मुझे भगा कर लेकर जा रहे हो, तो इसीलिए उन्हें उसे थोड़ा सा थोड़ा सा हाँ हाँ मुझे पता है थोड़ा सा नहीं बहुत मारा था, लेकिन अब नहीं मारेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी मेरी माँ और भैया को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।